नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। चित्रकूट जिलाधिकारी अभिषेक आनंद की अध्यक्षता में कार्यों की समीक्षा। 50 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्टरेट के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गेट निर्माण, बरगढ़ क्षेत्र में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नवीन थाना सरदोवा के अनावासीय भवन का निर्माण, विकास भवन, पुलिस लाइन में ट्रांजिस्ट हॉस्टल, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मानिकपुर, ड्रग वेयर हाउस, नगर पंचायत भवन मऊ, तुलसी स्मारक वाटिका का निर्माण, राजकीय आईटीआई मानिकपुर में वर्कशॉप क्लास रूम का निर्माण, सीतापुर का पर्यटन विकास कार्य, राजकीय हाई स्कूल टिकरा में निर्माण कार्य, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मऊ पहाड़ी, राजकीय बाल संप्रेषण गृह, रोडवेज वर्कशॉप एवं आवास निर्माण, जिला संयुक्त चिकित्सालय में मेटर्निटी वार्ड के निर्माण, पहाड़ी परिसर में राजकीय इंटर कॉलेज अशोक का निर्माण कार्य, मारकुंडी बहिलपुरवा करवी बरगढ़ मानिकपुर में महिला पुरुष हेतु हॉस्टल, बैरक का निर्माण, रेस्क्यू सेंटर का निर्माण, तुलसी वाटरफॉल, महर्षि वाल्मीकि आश्रम के पर्यटन विकास कार्य, मानिकपुर में कच्छ पुलिस लाइन में आवास निर्माण के संबंध में उन्होंने कहा कि जो कार्यदायी संस्था है अगर कार्य नहीं करा रही है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाएं। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 तक जो टाइमलाइन दिया गया है उसे पूर्ण कराएं। राजापुर तुलसी स्मारक पर्यटन के विकास कार्य, राजकीय महाविद्यालय मानिकपुर में स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाओं के निर्माण के संबंध में उन्होंने जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी को निर्देशित किया कि इसमें एक टीम बनाकर इसका सर्वेक्षण कराएं कि कार्य हो रहा है कि नहीं। रूर्बन उद्यमिता प्रशिक्षण केंद्र मऊ के संबंध में उन्होंने कहा कि अगर कार्यदायी संस्था कार्य नहीं कर रही है तो इनके खिलाफ कार्यवाही करें। जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं से कहा कि शासन की मंशा अनुरूप व गुणवत्ता के साथ पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जाए व टाइमलाइन पर पूर्ण किया जाए, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर, प्रभागीय वनाधिकारी पी के त्रिपाठी, पुलिस क्षेत्राधिकारी यातायात निष्ठा उपाध्याय, परियोजना निर्देशक ऋषि मुनि उपाध्याय, जिला विकास अधिकारी राजकुमार त्रिपाठी, अर्थ एवं संख्या अधिकारी राजदीप वर्मा, मुख्य पशु चिकित्सा है अधिकारी सुभाष चंद्र, जिला दिव्यांग अधिकारी प्रतिभा पाल, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी विजय कुमार, यूपी सिपको से राजेश चौधरी व कार्यदायी संस्थाएं सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। चित्रकूट संवाददाता रामलखन पांडे की रिपोर्ट।